कन्नौज विधायक उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में छापू ग्राम की पहाड़ी पर विशाल वृक्षारोपण हुआ। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने 2100 पौधे लगाए। विधायक ने पीपल का पेड़ भी लगाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण में देसी नस्ल के पौधे ही लगाए जा रहे हैं, जिससे वे स्थानीय मौसम के अनुरूप अच्छे से पनप सके। यहाँ पीपल, आम, नीम, बांस, करंज, चिरोल, सागौन आदि के पौधे रोपे गए हैं। साथ ही इस वृक्षारोपण के चारों ओर जाली लगाकर खंती खोदी जाएगी, ताकि मवेशी इन पौधों को नष्ट ना कर सके। सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार के। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आज लगभग 2100 वृक्ष लगाने का संकल्प है। कुछ वृक्ष लगा दिए गए हैं और लगाएंगे, और चूंकि आज़ादी का 75वां वर्ष हो चुका है, 75वां जन्मदिवस अगले वर्ष हो जाएगा पूर्ण, तो हम इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में पूरी छापू पंचायत में जहाँ भी जगह मिलेगी 7500 वृक्ष लगाएंगे। और देसी नस्ल के वृक्ष लगाएंगे जो यहाँ के मौसम के अनुकूल रहे हैं। वृक्ष जीवन देता है, प्राणवायु देता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आग्रह किया है, हमारे महान प्रधानमंत्री, हमारी हीरा बहन बा के हीरा नरेंद्र मोदी जी की मां में एक वृक्ष माँ के नाम, सभी हमारे